ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है अबाउट हाउ टू यूज फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एमसीक्यू पैटर्न सब्जेक्ट्स। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 15 मिनट का आपको मिलता है जी रीडिंग टाइम। इस रीडिंग टाइम का सबसे अच्छा इस्तेमाल, सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, मैं उन पेपर्स की बात कर रहा हूँ जिनपे एमसीक्यू पैटर्न लागू होता है, यानी उन पेपर्स की बात ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है जिन पे एमसीक्यू पैटर्न लागू नहीं होता, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट उसको मैं डिस्कस कर ही लूंगा विद इन द वीडियो इटसेल्फ, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एमसीक्यू वाले खास लोग ध्यान दें कि किस तरह से अपने 15 मिनट को आप फ्रूटफुल बना सकते हैं। मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आइडियली जो मेरी एडवाइस रही है हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स को पास में रही है, वो ये रही है दैट कंपल्सरी क्वेश्चन को हमें एक बार को नहीं पढ़ना चाहिए, बट What else we can do is, हम लोगों को rest of paper को एक बार at a glance देखना चाहिए and we should find out कि हमें कौन से questions आते हैं और कौन से नहीं आते। जो absolutely नहीं आता है question, बिल्कुल भी नहीं आता, उसको क्या करना चाहिए, उसको delete कर देना चाहिए simultaneously अपने question paper में से। You just put a scratch out of it, ठीक है, cross लगा दो, बहुत है, एक slash लगा दो जिसे ध्यान रहेगा, pencil से करना है कारनामा सारा, एक पेंसिल से एक स्लैश लगा दो जिससे आपको ध्यान रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे। ये वाली जो एक्सरसाइज है जनरली आपके 5 to 7 मिनट्स हर पेपर में कंज्यूम कर जाएगी। काफी लोग सिलेक्टिव स्टडी भी करते हैं जिसके अंदर मुश्किल से, मतलब ऐसा होता है, सिलेक्टिव स्टडी करने का मतलब हुआ एक आध चैप्टर बाय डिफॉल्ट छोड़ के जाना। रीजन बिंग काफी बच्चों को एक एहसास होता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो पूछते ही है और ये टॉपिक या चैप्टर बहुत लेंदी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसी क्वेश्चन को सीधा स्लैश कर देते हैं। दैट इज अ राइटफुल अप्रोच एज वेल, अगर आप एंड में पढ़ रहे हैं समय कम है तो ये भी बहुत अच्छा अप्रोच है। ऐसे केस में क्या करो, एक क्वेश्चन गया, ठीक है, अब अपने पास बाकी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। इफ यू आर 5 to 7 मिनट्स का रीडिंग करा है तो अच्छी बात है। जनरली मैं बोलता हूँ कंपल्सरी क्वेश्चन को रीड नहीं करना चाहिए। इसका रीजन ये भी है कि आईसीए जब भी कोई कंपल्सरी क्वेश्चन देता है तो इट हैज टू बी ट्रिकी, ट्रिकी इन द सेंस कि ऐसे एकदम सिंपल सिंपल चीज कंपलसरी क्वेश्चन में डालने का प्रयास कम ही करता है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन आपको जनरली मिलेगा और क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एफर्ट होगा, रीडिंग एफर्ट ज्यादा होगा, तो आप अगर उसको ज्यादा रीड करने में रहेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन बट नाउ सिंस एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस तरह का सब्जेक्टिव नेचर में, बट अभी आपके पास में ऑब्जेक्टिव नेचर के भी क्वेश्चन हैं जो कि कंपल्सरी नेचर में आते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव और कंपल्सरी है उनका भी बाइफर्केशन एक बराबर लेवल पे बाइफर्केशन है कि यस वी विल हैव सर्टेन क्वेश्चंस जिसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चंस भी होंगे और 2 मार्क्स भी होंगे। 2 मार्क्स आर डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, जबकि ये जो होंगे ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। तो मेरी आपको ये सलाह है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी 15 मिनट्स आपको मिले हैं उसमें आप ये करें, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को देख लें, ये समझ लें कि हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। जिनको नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको स्लैश लगा लो, ऑप्शनल चॉइस खत्म कर दो, ठीक है, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। और फिर आपको एक अरेंजमेंट भी करना है, अरेंजमेंट ये करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करने वाला हूं या करने वाली हूं। तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का एक सिंपल फॉर्म अरेंजमेंट कर लो। से फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन 4, 3 और 2 सबसे ज्यादा आता है, जिसमें से 4 सबसे ज्यादा आता है मतलब आप एकदम बैंग ऑन सही कर दोगे, 3 उसके बाद अच्छा खासा आता है और 2 उसके बाद, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। सो यू मेक एन ऑर्डर लाइक दिस। अब ये 3 क्वेश्चन का भी अगर अपना ऑर्डर सेट हो गया तो आपको पता है कि 3 बेस्ट क्वेश्चन मेरे सबसे पहले अटेम्प्ट हो जाने हैं। और मैं जो बता रहा हूं बचे कुछ मिनट जो है उसमें आप एमसीक्यूज वाले जो पोर्शन है, कौन सा वाला, बेसिक वाला पोर्शन, एडवांस्ड पोर्शन को टच मत करना उन 15 मिनट में, बिकॉज इट विल रिक्वायर अनदर रीडिंग। कोई भी टफ क्वेश्चन होता है वो 2 रीडिंग मांगता ही है। ग्लांस में जो पता चल जाए वो क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, सो दैट फर्स्ट वन आवर के अंदर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको ये बेसिक आ गए हैं, जितने भी बेसिक आए उनको फटाफट गोले भर देना शुरुआत होते ही पेपर का, तो ये इट विल टेक 8 मिनट्स मैक्सिमम, जो भी 14-16 नंबर का जो भी आएगा उसके अंदर 8-7 मिनट मैक्सिमम लगेगा, वो सारा का सारा भर देना फटाफट। उसके बाद आपका जो बैलेंस है उसके अंदर आप ट्राई करो दैट एटलीस्ट टू कवर 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द लॉट।
अगर आप इतना कर पाते हैं एक घंटे के अंदर, टू क्वेश्चंस और प्लस अपना बेसिक वाला एमसीक्यूज विद द रीडिंग, द काइंड ऑफ रीडिंग दैट यू हैव डन, आपको बाकी पेपर को पढ़ने का समय ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा मिल जाता है। साथ के साथ आपको और समय मिल जाएगा कि आपको कोई चीज अगर नहीं आ रही है तो आपको पता है कि यार इसमें मैं टाइम डिवोट अब कर सकता हूँ। काफी बार क्या होता है, हम लोग सीक्वेंशियली भी पेपर स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंशियली स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जिस क्वेश्चन में अटके आप उधर टाइम डिवोट करना स्टार्ट करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है उसको पहले करते तो मेरे ख्याल में टाइम कम डिवोट करना पड़ता और आप फ्री फील करते। जब आप फ्री फील करते हो तो साइकोलॉजिकली जो ब्रेन है वो भी आपके लिए बहुत मेहनत करता है। मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया है, CACS, ICW तीनों के एग्जाम्स दे रहा था, कंटिन्यूस एग्जाम्स दे रहा था, तो स्ट्रैटेजी बहुत ही रिमार्केबल स्ट्रैटेजी, ऑल्दो MCQ उस टाइम नहीं था बट स्टिल द स्ट्रैटेजी वाज वेरी रिमार्केबल दैट हैव द फर्स्ट इंप्रेशन राइट। और आप वो क्वेश्चंस पहले करते हो तो एक तो टाइम कम कंज्यूम होता है, प्लस आपको पता होता है किस तरह से इसको जाना है। आप भी जानते हो कि ICAI काफी क्वेश्चंस रिपीट भी करता है और अपने स्टडी मटेरियल से प्यार भी बहुत करता है। तो अगर ऐसा रहता है तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस बहुत ही मैकेनिकल नेचर के हो जाते हैं। इफ यू हैव डन दोस क्वेश्चंस वंस और ट्वाइस आप लोग उसको आराम से फटाफट निकाल सकते हो। ऐसे दो तीन क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेगा, 50% पेपर इससे भरा हुआ होता है, 60 नंबर पे का एग्जेम्पशन लग जाता है। सो मेक श्योर कि आप वो फटाफट वो वाला क्वेश्चन छांट छांट के एक बार में कर दो, टाइम बच गया, एफर्ट बच गया, MCQs भी हो गया। देन डिटेल्ड क्वेश्चन तो वैसे भी यार एक बार पढ़ के थोड़ी ना इनका आंसर क्लिक होगा, थोड़ा सा वापस डबल रीडिंग चाहिए गई, तो इस पर टाइम इनिशियली वेस्ट या इन्वेस्ट मत करना। सिमिलरली कहूंगा कि जो क्वेश्चन जल्दी आ गए उनका रिवर्स प्लानिंग से करके बाकी कर लिए तो बाकी में फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक लेके सोच सकते हो कि हाँ यस नाउ हाउ टू प्रोसीड विद माई पेपर। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि एक स्टार्टिंग में एक अच्छे थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया जाए और बीच में एक आफ्टर थॉट दिया जाए दैट हाउ टू गो अबाउट विद द पेपर। सो इफ यू आर डूइंग द वे आई वॉन्ट यू टू डू सो I think it would be really wonderful. हो सकता है देखो आपके पास और भी अच्छा स्ट्रैटेजी हो। जो भी स्टूडेंट होता है, देखो मैं ऐसे हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन बहुत कस्टमाइज्ड चीज है, तो जरूरी नहीं है देखो आपको मेरी कोई भी बताई गई बात बहुत ज्यादा सूट हो। अगर नहीं हो प्लीज डोंट फॉलो इट, बट अगर आपको लगता है कि yes, इसके एक्सपीरियंस से लड़का ठीक बोलता है तो आप इसको कर सकते हो। MCQ पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरा एक टेक जरूर है। अच्छा ये बात हो गई हमारी पूरी, अगर आपको कुछ जमा हो तो मुझे बताना और अगर आपको इसके ऊपर पीछे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या आप कुछ और सोचते हैं तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्सेस हैं उसमें लिखिएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड करता रहूंगा इस पे। बट मेरे को लगता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स का बेस्ट यूज जो है मेरे हिसाब से, हाँ मेरे परसेप्शन से वो ये है, और अगर आप इस तरीके से इसको यूज करते हैं तो विल बी बेटर ऑफ विद योर आंसर्स। एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूं, जब भी पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए, बहुत लोग पहली बार अटेम्प्ट देंगे, मैंने ऐसा हमेशा देखा है कि आठों पेपर, मतलब जो फर्स्ट रैंक लाने वाला होता है ना उसका भी अच्छा आठों पेपर नहीं होता, एक आध पेपर ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है कोई एक्सेप्शनल टॉपर हो रहे हैं पास्ट में, बट मैं मतलब मेरे को नहीं पता, पर बाकी मैंने देखा है कि हाँ टॉपर्स का भी एक आध पेपर ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनको लगता है खराब हुआ है। ICAI पेपर अलग अलग पैटर्न से सेट करता है, कुछ पेपर्स जो होते हैं वो बहुत टफ सेट होते हैं, वेरी टफ, आपको जनरल टोन पेपर की समझ में आ जाएगी। जब भी आप पेपर देखते हो ना तो आपको क्लास का चेहरा देख के, खुद का चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि यार पेपर का जनरल टोन क्या है। अगर पेपर का जनरल टोन दिख रहा है वेरी टफ है तो स्टॉप पैनिकिंग, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप पैनिक करना बंद कर देना। उसका रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट अपना आप ध्यान रखेगा, चेकिंग में ये सब चीजें देख ली जाती है। अगर पेपर वेरी इजी है और सब खुश खुश दिख रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, रीजन बीइंग कि अब आपका स्टेप मार्किंग जो है वो मैं बताता हूं थोड़ा सा ना खराब सा हो जाता है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है पास्ट में थोड़ा सा खराब हो जाता है। इन द सेंस आपने कोई 16 मार्क्स का क्वेश्चन देखा, आपने देखा यार ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया, एकदम ईजी सा क्वेश्चन आ गया वाह, और अगर उसमें आपने छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो इसकी पेनल्टी हैवी लग जाती है, रीजन बीइंग दैट ओवरऑल पेपर वॉज वेरी इजी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज का भी मार्क्स मिलेगा, तो इसके लिए स्टॉप पैनिकिंग, और इसमें आप बहुत ज्यादा सोच समझ के करना, चाहे आप एक क्वेश्चन कम कर देना या आधा क्वेश्चन कम सॉल्व कर लेना, लेकिन जो भी सॉल्व करो उसको मल्टीपल बार चेक जरूर कर लेना कि हमने सही किया है, एब्सोल्युटली शुरुआत से लेकर एंड तक सही किया है कि नहीं किया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितने मैंने पास्ट कॉपीज देखे हैं पेपर्स देखे हैं उनके हिसाब से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोई भी जना अब इस पे भी क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन मैं बस एक स्मार्ट ओपिनियन दे रहा हूं आपको। इफ यू फील राइट दैट यू कैन फॉलो इट प्लीज डू इट, आपको बहुत फायदा होगा, दैट इज अ गारंटी। ओके
तो इतना कुछ जो भी मैंने बताया उसके लिए मैं आपसे एक बस इसका एक समेशन दे रहा हूँ कि हाँ आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस रीजन में जरूरत है और किस रिगार्ड में जरूरत है। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर।